भरम हिंडोला झूले सब जग आए, भरम का हिंडोला है, हिंडोला झूला, इस भ्रम के हिंडोले में बैठकर संसार के सारे लोग झूल रहे हैं। और झूला स्थिर नहीं रहता, स्थिर ये है झूला, तो ये बैठने का कोई मजा ही नहीं आएगा। झूला झूलने का आनंद तब आता है जब झूला आगे पीछे ऊपर नीचे होता रहता है, तब तो जिस झूले में संसार के सारे जीव झूल रहे हैं वह झूला भ्रम का है। अरे भ्रम हिंडोला करता क्या है, कबों को ऊंची कबों को नीचे स्वर्ग भूत ले जाए। कभी यह हिंडोला इस जीव को मनुष्य शरीर में ले जाता है, ऊंचाई तक पहुंच जा देता है। अब कभी पशु पक्षी कृमि कीट आदि खाने में, कभी ये झूला इस प्रकार से होता है कि जीव को लगता है कि सब कुछ आनंद 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 ही है, और कभी ऐसा लगता है कि मानो दुख के अलावा कुछ है ही नहीं। इसके साथ साथ अति भ्रमित भ्रम हिंडोला अनेक नहीं ठहरा है, यह हिंडोला अत्यंत भ्रमणशील है, सदा हिलने झुलने वाला, जरा भी यह ठहरता नहीं है। स्थिरता कहाँ है, कुछ सब कुछ तो चल विचल है, परिवर्तनशील। अब परिवर्तनशील संसार में जो स्थाई निवास करना चाहेगा और परिवर्तनशील प्राणी पदार्थों से स्थाई सुख चाहेगा, रोने के अलावा उसे कुछ और मिलेगा नहीं। स्थिर सुख, स्थाई आनंद, जो स्थिर स्थाई पदार्थ है उसमें ही मिलेगा ना। जो अनित्य है और परिवर्तनशील, उससे मिलने वाला सुख नित्य कैसे रहेगा। ये बात समझ नहीं पाते हैं, इसलिए क्षणभंगुर और परिवर्तनशील प्राणी पदार्थों में हम स्थाई आनंद की खोज करते हैं और हमारी यही भूल दुख का कारण बनती है, और यही तो भ्रम है। भ्रम क्या है, जो जहां न हो जो जैसा न हो उसको वहां और वैसा मान लेना, भ्रम है। तो भ्रम का हिंडोला, इसमें संसार के सारे जीव झूल रहे हैं। भ्रम मैंने कहा
कि जो जैसा ना हो उसको वैसा मानना और जहाँ जो नहीं है वहाँ उसकी कल्पना कर लेना। सबसे बड़ा भ्रम ये जो भूत प्रेत जावे टोना का भ्रम होता है, ये तो बहुत छोटा सा भ्रम है, इसमें भी लोग पड़े रहते हैं। लेकिन जो झूला, जो भ्रम का हिंडोला है, वो भ्रम क्या है? सबसे बड़ा भ्रम मेरे स्थाई सुख का आधार मुझसे अलग है, मेरी शांति का आधार, मेरे विश्राम का आधार मुझसे अलग है, यही भाव सबसे बड़ा भ्रम है और यही भ्रम भटका रहा है। अब मेरे सुख का आधार मुझसे अलग बाहर है, तो आधार क्या है? दो आधार मानते हैं लोग। पहला आधार, सुख का पहला आधार, इंद्रियों के भोग, इंद्रियां बहिर्मुख हैं, दुनिया के प्राणी पदार्थ सामने हैं, तो हम ये मानते हैं कि इंद्रियों से अनुभूत होने वाले जो विषय हैं उनको ग्रहण करने से, उनका भोग करने से हमें स्थाई सुख, स्थाई आनंद की प्राप्ति होगी। किंतु होता कहाँ है? आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, इन पांच ज्ञानेन्द्रियों से शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन पांच विषयों को असंख्य बार ग्रहण कर चुके हैं, असंख्य बार इनका भोग हो चुका है। स्थाई सुख मिला? भ्रम होता है। प्राणी पदार्थों के बीच से जीवन का निर्वाह होता है, यह बात अलग है। प्राणी पदार्थों के सहयोग और उपयोग के बिना जीवन का निर्वाह नहीं होगा। किंतु इनमें सुख खोजना, अपने को दुखी बनाने का कारण है। तृष्णा की आग में जलते रहना है, अभाव की अनुभूति से पीड़ित होते रहना है, अतृप्त में जीवन बीत जाना है। बहुत कुछ चीजें देखे सुने होंगे, कल्पना करें, सोचें, ऐसा वह कौन चीज है जिसमें केवल सुख है? जैसे पानी सबके लिए शीतल होता है, जिसे भी प्यास लगी हो उसकी प्यास पानी से ही बुझेगी। नियम है यह, पानी पीने के अलावा किसी और चीज से प्यास बुझ ही नहीं सकती है। तो पानी सबके लिए शीतल होता है और सबकी प्यास बुझाता है। आग
सबके लिए गर्म होती है। अमुक के लिए आग गर्म होती है, अमुक के लिए ठंडी होती है, ऐसा नहीं है। कोई हो जो भी आग छुएगा उसका हाथ जलेगा। स्वभाव है आग का जलाना। तो जैसे पानी सबके लिए ठंडा होता है, शीतल होता है, आग सबके लिए गर्म होती है। क्या आप बताएंगे कि कोई एक ऐसा भोग, कोई ऐसा पदार्थ, ऐसा विषय जिसमें हर आदमी सुख मानता हो, जो सबके लिए सुखद हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और हम भटक रहे हैं कि हम इसे सुख मिलेगा, वो तो मान्यता है हमारी, बस आदत और मान्यता, इन दोनों के कारण इंद्रियों से ग्रहण करने वाले जो विषय हैं उनमें सुख का आभास होता है, भ्रम। और आदत नहीं है तब मूल्यवान से मूल्यवान पदार्थ हो उसमें आनंद का अनुभव नहीं होगा। एक बीड़ी पीने वाला आदमी है, अब बीड़ी में क्या है? कुछ भी तो नहीं है। लेकिन एक बीड़ी पीने वाला आदमी को बीड़ी पीने में मजा आता है, क्योंकि आदत बन गई है। लेकिन जो बीड़ी नहीं पीता उसके उस आदमी को उसका धुआं सुन करके ही कष्ट होता है। जैसे सूखा नाक में धुआं गया वैसे उसे कष्ट हो जाता है, क्योंकि उसकी आदत नहीं है। ऐसे हर जगह के लिए। और फिर किसी भी विषय कुछ भी हो, किसी भी विषय में उस विषय को ग्रहण करते समय सुख की प्रतीति क्यों होती है? यदि उस विषय में, उस पदार्थ में, उस प्राणी में, उस भोग में सुख नहीं है तो सुख की प्रतीति क्यों होती? क्यों लगता है कि इसमें हमें सुख मिल रहा है, आनंद आ रहा है? चित्त की एकाग्रता के कारण, चित्त की स्थिरता के कारण। जब किसी विषय को पाने की इच्छा मन में होती है, कुछ भी उसका ले लो, आप बैठे हैं चुपचाप शांत, कोई व्याकुलता मन में नहीं है, कोई चंचलता मन में नहीं है, बस मस्त बैठे हैं। इतने में मन में किसी को देखने की, सुनने की, खाने की, पीने की या कुछ भी पाने की इच्छा हुई, और जब इच्छा हुई तो जैसे इच्छा हुई चित्त चंचल हो गया। अब कब वह इच्छित पदार्थ, कब वह इच्छित भोग मिले, व्याकुलता शुरू हो गई। अब मन जब व्याकुल हुआ तब
उस इच्छित भोग इच्छित पदार्थ की खोज शुरू हुई, पाने के लिए प्रयत्न किया गया शुरू हुआ। खोज प्रयत्न से वह भोग पदार्थ मिल गया और हमारी इंद्रिय से उस भोग पदार्थ का संपर्क हुआ, तो उस समय उस भोग पदार्थ में चित्त स्थिर हो गया, एकाग्र हो गया, सुख वहां से आ रहा है, उस एकाग्रता स्थिरता से है सुख निज स्थिरता केरा, मानत भूल के विषयन हेरा। चित्त स्थिर ना हो तो किसी भी वो बड़े से बड़े भोग आप कह सकते हो, किसी में आपको आनंद नहीं आएगा, किसी में भी आनंद नहीं आएगा। चित्त की व्याकुलता, चित्त की चंचलता में, यदि चित्त हमेशा चंचल बना हुआ है तो स्वर्ग में भी चले जाएंगे ना। लोग कहते हैं वहां का आनंद, वहां का भोग दिव्य भोग होता है, वहां चाहे जितनी मात्रा में जितनी देर तक भोगों को भोगते रहो कोई भी इंद्रिय शिथिल नहीं होगी। कहावत है, लेकिन स्वर्ग में गए और चित चंचल है तो वहां भी आनंद नहीं है। और चित स्थिर हो गया, बिल्कुल एकाग्र, किसी चीज की इच्छा ही नहीं है, शांत चित, जहां बैठे हो वहीं स्वर्ग हो गया। स्वर्ग की अनुभूति स्थिर चित्त में ही होगी, ये मन की निर्मलता ही स्वर्ग का सुख है। किंतु भ्रम क्या है, चित्त इंद्रियों को जितने हम चंचल बनाएंगे और जितना हम उनसे विषयों को ग्रहण करेंगे उतना हमारा आनंद बढ़ता जाएगा, सुख बढ़ता चला जाएगा। इस भ्रम में आदमी एक भोग से दूसरे भोग, दूसरे भोग से तीसरे भोग में आगे बढ़ता जाता, पकड़ता जाता है और अंत में निराश उदास। तृष्णा भले बढ़ गई, चंचलता भले बढ़ गई, लेकिन अनुभव नहीं हुआ। तो भ्रम है मेरे सुख का आधार मुझसे अलग, वह है इंद्रियों का भोग। और भोगते भोगते शरीर बूढ़ा हो गया, इंद्रियां शिथिल हो गई, किंतु भोग तृष्णा भोग इच्छा शांत नहीं हुई और बढ़ती चली गई। भर्तृहरि जी ने कहा कि भोगाना भोक्ता वयमेव भोक्ता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, कालो न यातो वयमेव यातो, तपो न तप्त स्वयमेव तप्ता। भोगों को मैंने नहीं भोगा, भोगों ने मुझे भोग डाला, मेरे शरीर को ही कमजोर कर डाला। तृष्णा जीर्ण नहीं हुई, शरीर ही जीर्ण हो गया। ये स्थिति सबकी जीवन में आती है, लेकिन भ्रम टूटता नहीं आदमी का। संसार के भोगों को भोगते भोगते किसी किसी को ये लगता है कि नहीं, यहाँ स्थायी आनंद नहीं है। जितने संसार के भोग हैं उसका जो सुख है वह सुख खुजली खुजलाने के समान है। जब हम खुजली को खुजलाते हैं तब तक बड़ा अच्छा लगता है, उसके पश्चात पीड़ा शुरू हो जाती है, रोग बढ़ जाता है। तो किसी किसी की समझ में बात आती है, किसी किसी को बहुत जल्दी और किसी किसी को कुछ देर से।
विषयाशक्ति का त्याग कर दिया, संसार से उदास हो गया। फिर सोचता है संसार के भोगों में, संसार के प्राणी पदार्थों में तो सुख नहीं है, सुख का आधार तो परमात्मा है, खुदा गाड ईश्वर ब्रह्म है, अब वो मुझसे अलग है। अब फिर उसको पाने के लिए त्याग, तप, संयम, साधना, ज्ञान, भक्ति, अनेक प्रकार की साधना आदमी करता है, किंतु वहां भी अतृप्त का अतृप्त ही रह जाता है। अलग ऐसा कोई ईश्वर बैठा हुआ नहीं है जो आपको मिले और आपको स्थायी सुख और आनंद दे दे, उसको उसे पाकर आप तृप्त हो जाए, वह सिर्फ आपकी कल्पना है। बस आपने ही कल्पना से गढ़ा है, या सुना है लोगों द्वारा कि एक परमात्मा है, सत्यम शिवम सुंदरम है, परमानंद रूप है, परम दयालु है, कृपालु है, पता नहीं अनेक विशेषताएं परमात्मा में लगाई गई है, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ है नहीं, सुना भर है बस, देखा किसी ने नहीं है आज तक। परमात्मा, ईश्वर, ब्रह्म, भगवान, खुदा, गाड, जो भी आप कह लो, देखा किसी ने नहीं है आज तक, केवल कहते सुनते आ रहे हैं। अब प्रश्न हो सकता है, आप कैसे कहते होगे किसी ने देखा नहीं आज तक, कैसे देखोगे? आंख से देखोगे तो रूप होगा, और रूप है विषय, कोई मनुष्य होगा, कोई जानवर होगा, कोई पदार्थ होगा, फिर परमात्मा कैसे हुआ? कान से सुनोगे तो शब्द हो जाएगा, जीभ से चखोगे तो स्वाद हो जाएगा, तो छुओगे तो स्पर्श होगा, आखिर परमात्मा को देखोगे कैसे? देखने का या पाने का माध्यम क्या है? माध्यम है इंद्रियां। तो मैं कहा कि अब किसी मनुष्य को, जानवर को, या किसी और को उसको देखोगे तो प्रत्यक्ष ही है ना सामने हमारे, भी हमारे सामने मनुष्य बैठे हैं, जानवर हम देखते हैं, अनेक प्रकार के जानवर देखते हैं, तो मान लो कोई परमात्मा है। लेकिन ऐसा परमात्मा चाहिए हमको जो हमारा बिना कुछ किए हमें कल्याण, गति, मोक्ष दे दे, अपने धाम भेज दे। भटकते रह जाएंगे एक जन्म नहीं लाखों जन्म तक, ऐसा कोई परमात्मा मिलने वाला नहीं है। लेकिन बड़े बड़े ज्ञानी कहलाने वाले, त्यागी तपस्वी कहलाने वाले लोग भी परमात्मा पाने के लिए भटक रहे हैं, भ्रम है, कुछ है नहीं ऐसा। सुनी सुनाई बातों को लेकर के आदमी उड़ता रह जाता है, विचार नहीं कर पाता। तो जैसे संसार के भोगों को भोगने वाला व्यक्ति अतृप्त का अतृप्त ही रह जाता है, ऐसे ही परमात्मा की खोज में भटकने वाला साधक भी अतृप्त का अतृप्त ही रह जाता है, मिलना नहीं। किंतु यह भ्रम टूटता नहीं है और भटकता रह जाता है। विषयों के पीछे दौड़ने वाले आदमी का अपेक्षा परमात्मा की खोज करने वाले आदमी का मनोभाव कुछ शुद्ध तो रहता है। विषयों की आसक्ति का त्याग कर दिया, उधर नहीं है, तो मन में थोड़ी शांति तो रहती है, थोड़ी स्वस्थता तो रहती है, किंतु स्थायी तृप्ति, परम तृप्ति, इसकी अनुभूति कभी नहीं हो पाती है।
इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं कि भरम हिंडोला झूले सब जगह, भरम का हिंडोला है। अब भरम यही है कि मेरे सुख का आधार बाहर है और सबके सब झूल रहे हैं, अमुक अमुक को कहने की बात नहीं है, बिरले बिरले है। किसी ने कहा साहब से, साहब आप कहते हो कि पूरा संसार झूल रहा है तो कोई तो बचा होगा ना इस झूले में झूलने से, किसी का तो भ्रम टूटा होगा। आखिर इतने संत गुरुजन ऋषि मुनि इतना ज्ञान को उपदेश कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, तो ऋषि मुनों के संत गुरुजनों के उपदेश और प्रचार को सुन करके किसी का तो भ्रम टूटा होगा। साहब ने कहा हाँ टूटा तो है, और कोई ना कोई झोला उतरा होगा। साहब कहा हाँ वो भी उतरा हुआ है। तो कौन? साहब कहते हैं ये झूलबे को भय नहीं जो होवे संत सुजान। जो सुजान संत हैं उन्हें झूले में झूलने का भय नहीं होता, वो झूला से उतर जाते हैं। यहां सुजान संत कहते हैं साहब। वैसे तो संत शब्द ही पर्याप्त है, किंतु साहब आप संत में एक सुजान विशेषण लगाते हैं। सुजान मतलब जिसने अच्छी तरह से, एक तो है जानना और जान में पर्याप्त है, उसमें भी शुभ उपसर्ग लगा दिए हैं साहब ने, शुभ उपसर्ग लगाया है, विशेषण लगाया है, मतलब भली भांति जान लेना, ऐसा जानना कि कोई भ्रांति न रह जाए, वो सुजान संत होगा। और वो सुजान संत सब तरह से निरपेक्ष निष्पक्ष होगा, कहीं उसका मन चिपका हुआ नहीं होगा। निरपेक्ष होए के हरि भजे सोई संत सुजान, जिसे न तो दुनियादारी का पक्ष है, न जाति वर्ण का पक्ष है, न मत मजहब का पक्ष है, न तो ज्ञान विवेक ज्ञान संयम साधना का अहंकार है, वो सुजान संत है। जिन्होंने अपने आप पर पूर्ण नियंत्रण कर लिया है वो सुजान संत। एक होता है संत का वेश, जैसे हम लोग पहन रखे हैं, संत संत और संत का वेश में जमीन आसमान का अंतर होता है। संत के वेश की आवश्यकता है, किंतु संत का कपड़ा पहनने से कोई संत नहीं हो जाएगा। बिना कपड़े भी पहने भी कोई संत हो सकता है, बस वैसी रहनी चाहिए, और रहनी में नहीं है तब कपड़ा क्या करेगा। सुजान संत साहब कहते हैं जो सब तरफ से पूर्ण निर्मोह निष्काम निरपेक्ष अनासक्त है, वो सुजान संत है। यह मतपंथ की बात नहीं है, जीवन की रहनी की बात है। रहनी में कृतार्थता होती है, कथनी में कृतार्थता नहीं है। साहब ने कहा है, साहब ने कहा कि आप कहते हैं कि सुजान संत, तो साहब संत की कोई परिभाषा तो बताइए, सुजान संत हम किसे माने। तो वहां साहब ने कहा था कि निरपक्ष हो के हरि भजे सोई संत सुजान, निरपक्ष होकर हरि के भजन करता वो संत सुजान है। तो कहने वाला ने और पूछा होगा साहब थोड़ी और व्याख्या करिए, इतने से तो बोध नहीं हो रहा है। तो सदगुरु कबीर कहते हैं आशा तज माया तजे, तजे मुह अरुमान, हर्ष शोक निंदा तजे, कहें कबीर संत जान।
जिन्होंने आशा का त्याग कर दिया, बाहर से मुझे कुछ मिलेगा, बाहर से कुछ पा करके मैं तृप्त हो जाऊंगा, इस आशा का त्याग कर दिया। माया, आसक्ति, मोह, ऐसे मोह आ गया है, छल कपट, माया करते हैं छल कपट, चतुरता, चालाकी, दिखावा। जिसके मन, जिसके जीवन में, मन में कोई चतुरता, चालाकी, छल कपट, दिखावा नहीं है, बाहर भीतर एक। मोह, जिसका मन कहीं किसी प्राणी पदार्थ में चिपका हुआ नहीं है, निर्मोह है। मान, जिसके मन में किसी प्रकार का कोई अहंकार नहीं है, न सम्मान की भावना है, न अपने को बड़ा मानने का भाव है। हर्ष और शोक दोनों में समभाव में रहता है, न किसी की निंदा करता है और न अपनी निंदा सुन करके विचलित होता है। साहब कहते हैं वो संत है, ऐसा जो संत हो, इस रहने में जो हो जाएगा वो सुजान संत है। और ऐसे रहने में रहने वाले को झूलने का भय नहीं होगा, उसका झूला बंद, वो झूला बाहर नहीं है, भीतर है। तो कहें कभी साहब कहते हैं ये झुलबे को भय नहीं जो होवे संत सुजान, जो सुजान संत। यहाँ संत का मतलब कोई भी हो, स्त्री पुरुष साधु गृहस्थ का वेश कैसा भी हो, पूर्ण जो जिसे जानना चाहिए था उसे जान करके, जो करना चाहिए था वो कर लिया। जानना था अपने आप को, करना था वासना का त्याग, इतना ही है। आगे इसकी व्याख्या है, जो जानना था जान लिया। वो जानना था क्या है, अपने आप को, अपने स्वरूप को। करना क्या था, वासनाओं का त्याग। इसी की व्याख्या करते हुए साहब कहते हैं, किसी ने जब पूछा था सुजान संत आप जो कहते हैं कि उन्हें झूलेगा झूला में, तो क्या कारण है कि झूला में झूलेगा नहीं, उसे ऐसा क्या मिल गया है जिसके कारण से उसका झूला बंद हो गया है। कहीं कबीर सत्सुकृत मिले तो बहुरी झूले यान, सत और सुकृत। इसी मैंने कहा जिसे जानना था वो जान लिया, सुकृत जिसे करना था वो कर लिया। सत दो चीज है, झूला में नहीं झूलना है, झूले से बचना है। ये आवागमन का झूला, जन्म मरण का झूला, संसार का झूला, और सबसे बड़ी बात अपने भीतर मन का झूला। यदि इसमें नहीं झूलना है तो दो बातों पर ध्यान देना होगा, सत और सुकृत। ये सत और सुकृत में थ्योरी और प्रैक्टिकल, सिद्धांत और प्रयोग दोनों आ जाए, कुछ बचता नहीं है। सत में थ्योरी है और सुकृत में प्रैक्टिकल है। अब सत्य क्या है, सत वह है जिसकी सत्ता का कभी अपलाप नहीं होता है, जो सदैव एक रस रहता है। तब वो क्या है फिर, तीनों काल में जिसका नाश नहीं होता फिर वह क्या है। वैसे तो जड़ और चेतन हम कहते हैं, जड़ भी सत्य है लेकिन जड़ परिवर्तनशील है, विकारी है, संयोग वियोगशील है, लेकिन वो सत होते हुए भी
वो हमारा अपना सत नहीं हो सकता। हमारा अपना सत, हर व्यक्ति का अपना सत, उसका अपना अस्तित्व, उसका अपना आपा, मैं। प्रत्येक घर में जो मैं कहने वाला है, जहां से मैं की आवाज निकल रही है, वो सत है। ईश्वर हो या ना हो, मैं तो हूं ना। ईश्वर के होने में संदेह हो सकता है, किंतु मैं के होने में किसी को संदेह नहीं है। क्या कोई व्यक्ति ये कहेगा कि मैं नहीं हूं? सबसे पहले मैं हूं। और यदि कोई कहता है कि मैं नहीं हूं, तो मैं नहीं हूं कहने के लिए भी होना पड़ेगा, क्योंकि मैं ही ना होता तो कैसे कहता कि मैं नहीं हूं। मैं पहले मैं हूं, तब मैं कहता हूं कि मैं नहीं हूं। तो जो कह रहा है कि मैं हूं या मैं नहीं हूं, वो सत है। अब वो हर व्यक्ति का अपना अस्तित्व है, अपना आपा है। न उसे हमें बाहर से पाना है, न वो खो सकता है। इसी हम कहते हैं आत्मबोध, आत्मज्ञान, स्वयं का ज्ञान। और इस आत्मज्ञान के बिना सारा ज्ञान बेकार हो जाता है। जितने भी सत्य हैं, सबकी व्याख्या कौन करता है? सब सत्यों का तू सत है जिस पर संसार जिया है। तो मैं को समझना होगा। यदि मैं समझ में नहीं आया, एक मैं तो इस शरीर के लिए है, तो शरीर प्रति जो मैं भाव है, ये माइक है, झूठा है, शरीर तक ही सीमित है। लेकिन आत्मस्तित्व को लेकर के जो मैं भाव है, वो सच है। जैसे कि हम कहते हैं इस शरीर को लेकर के, अपने एक नाम बताते हैं, मैं अमुक हूँ। फिर जाति बताते हैं कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं शूद्र हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं धनी हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं अनपढ़ हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं पिता हूँ, मैं पुत्र हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं पति हूँ, मैं काका हूँ, मैं भतीजा हूँ, कुछ भी ले लो। तो ये मैं और हूं के बीच में जो भी कुछ है ना, वो झूठ है। मैं और हूं के बीच में जो भी आ जा, सबको हटा दो, फिर क्या बचेगा? मैं हूं। तो मैं हूं वो कौन, उसको समझना, वो है, वो हम और आप है। हर व्यक्ति के भीतर बैठा हुआ चेतन है, वही तो कह रहा है। तो मैं का होना ये परम सत्य है। और कुछ हो या ना हो, मैंने कहा कि हम सब पर संदेह कर, सब पर संदेह कर सकते हैं, सब पर, लेकिन खुद पर संदेह कैसे करोगे? यदि मैं ही ना होता तो संदेह कैसे करता? संदेह करने वाला कोई है ना, तभी तो संदेह कर रहा है। इसीलिए डेकार्ट ने कहा था कि आई थिंक देयर फोर आई एम, मैं सोचता हूं क्योंकि मैं हूं। यदि मैं ही ना होता तो सोचता कौन? मैं ही ना होता तो संदेह कौन करता? मैं ही ना होता तो चिंता कौन करता? मैं ही ना होता तो दुखी कौन होता? और मैं ही ना होता तो दुख से छूटने का उपाय कौन करता? मैं ही ना होता तो परमात्मा पाने के लिए भक्ति भजन कौन करता? तो मैं हूं। उसी मैं के दुख छुटाने के लिए तो ये ध्यान साधना है। तो मैं का बोध, जिसे मैं पाना चाहता हूं, वो मैं हूं। इसीलिए कहा गया है अभेद दर्शनम ज्ञानम। ज्ञान क्या है?
अभेद दर्शन। अभेद दर्शन का मतलब मैं और मेरा प्राप्तव्य, मैं और मेरी मंजिल अलग अलग नहीं है किंतु एक ही है। जिस ईश्वर को, जिस ब्रह्म को, जिस खुदा को, जिस मोक्ष को, निर्वाण को, कैवल्य को पाना चाहता हूँ वो मैं ही हूँ, मेरा अस्तित्व है। इसलिए कहा गया ना अहम ब्रह्मास्मि कि मैं ब्रह्म हूँ, महान हूँ। शिवोहम कहा जाता मतलब शिव अहम, मैं ही शिव हूँ। सोहम वह मैं हूँ, मैं के अलावा और दूसरा कुछ नहीं है। मैं को छोड़कर के आप बाहर भटकेंगे कल्याण मोक्ष परमात्मा पाने के लिए तो भटकते रह जाएंगे, मिलेगा कुछ नहीं। जो कुछ आएगा वो माया होगी। और माया केवल भटकाती है, रुलाती है, स्थिरता वहाँ है नहीं। तो कहें कभी सत सुकृत मिले बहुजन झूलियान साहब कहते हैं सत और सुकृत, सत आत्मबोध, मैं का निर्भ्रांत ज्ञान। लेकिन मैं आत्मा हूँ, जिसे मैं पाना चाहता हूँ वो मैं ही हूँ, इतने मात्र से ठहराव तो हो जाएगा, भटकाव तो दूर होगा, लेकिन झूलना बंद नहीं होगा, दुख दूर नहीं होगा। उसके लिए चाहिए सुकृत। सुकृत के बहुत सारे अर्थ होते हैं, लेकिन यहां जिस अर्थ में सद्गुरु कबीर ने प्रयोग किया है वह एक शब्द में कहें तो वह है रहनी। और रहनी में जितने शुभाचरण हैं, जितने सद्गुण हैं, सब के सब आ जाते हैं। बाहर जो सद्गुण है अहिंसा, सत्य, दया, क्षमा, सेवा, भक्ति, सदाचरण और अहिंसा, प्रेम, ये सब बाहर इंद्रियों से आचरण, इंद्रियों का सद आचरण, इंद्रियों का सद व्यवहार, शुभ कर्म, ये सब सुकृत के भीतर आए थे। और भीतर मन का पूर्ण तृप्त निर्मल होकर के स्थिर हो जाना तो सुकृत में आएगा। और सुकृत थोड़ी और व्याख्या करें तो ये होगा मैं शुद्ध निर्मल आत्मा हूं। ठीक है, ये तो सिद्धांत हुआ, ये तो सत हो गया कि आत्मा सत्य है, निर्मल है, निर्विकार है, एकरस है, अविनाशी है। तो ये तो सिद्धांत की बात हुई ना, और सिद्धांत हमने जान लिया। तो अब प्रश्न यह है कि जैसा आत्मा या उस आत्मा का जीव कहो, चेतन कहो, निर्मल निर्विकार है, क्या हमारे इंद्रिय और मन का व्यवहार चिंतन भी निर्मल निर्विकार है? ते मन इंद्रियों की जो निर्मलता है वो सुकृत है। इसीलिए कहा गया है योग दर्शन में सत्व पुरुषियो शुद्धि साम्यिक कैवल्यम। सत्व और पुरुष, पुरुष शरीर रूपी पूर्व में निवास करने वाला जो चेतन है, चाहे वो स्त्री शरीर में हो चाहे पुरुष शरीर में हो,
शरीर ये पूर है, पूरी शेते पुरुष, सर्वपि पूर, पूर गांव, सर्वपि पूर में निवास करने वाला, शयन करने वाला जो चेतन है वो पुरुष है, वो शुद्ध है। हमारे जो आत्मा है, हमारा जो स्वरूप है, उसमें किसी प्रकार की कोई अशुद्धि और मलिनता नहीं है। जो कुछ मलिनता है वो देह इंद्री के संबंध से है, बीच में मन है इस वहां पर। यदि आत्मा स्वरूपता अशुद्ध होता, मलिन होता, तो हम कुछ भी उपाय कर लेते अशुद्धि और मलिनता दूर नहीं हो सकती थी। लेकिन संयम साधना विवेक विचार से अशुद्धि दूर होती है, मलिनता दूर हो जाती है। इसका मतलब मलिनता बीच में है, शरीर इंद्रिय और मन के व्यवहार में, आत्मा में नहीं है। तो जैसा ये पुरुष चेतन जीव शुद्ध है, ऐसे ही सत्व, सत्व अंतःकरण, ऐसे सत्व का अर्थ जीव ही होता है, लेकिन यहां सत्व का अर्थ अंतःकरण है, चित्त मन है। जैसे पुरुष आत्मा शुद्ध है, वैसे जब मन शुद्ध हो जाएगा तब कैवल्य होगा, तब झूलना में झूलना बंद होगा। हम रटते रह जाएं कि मैं शुद्ध निर्मल आत्मा हूं, तो इस रटने से दुख दूर नहीं होगा, कल्याण नहीं होने वाला है। रटे भले ना, वैसी रहनी में रहने का प्रयास का काम करें, जिससे इंद्रियों का व्यवहार तो निर्मल हो ही, मन निर्मल हो जाए, मन की मलिनता दूर हो जाए। अब ये सोचना है कि किस रहनी से, किस कर्म से, किस व्यवहार से, किसके त्याग से, किसके ग्रहण से हमारे मन की मलिनता अशुद्धि दूर होती है, ये सोचना होगा। तो जिस कर्म, जिस व्यवहार, आचरण, खान पान, रहन सहन, चिंतन विचार से मन की शुद्धि और मलिनता दूर हो, वही सुकृत है। इसलिए मैंने कहा कि एक शब्द में सद्गुरु कबीर की भाषा में इसे कहते हैं रहनी, और रहनी के बिना ज्ञान काम आने वाला नहीं है, हवा बनकर के उड़ जाएगा। हमारे पास ज्ञान की कमी नहीं है, हर आदमी के पास, हर आदमी, प्रत्येक व्यक्ति जितना जानता है उतने का ही प्रयोग करना शुरू कर दे तो कल्याण में कहीं कोई बाधा नहीं है। जानने में कमी नहीं है हमारे, कमी करने में है। थ्योरी हमारे पास पर्याप्त है, आवश्यकता से ज्यादा, प्रैक्टिकल प्रयोग आचरण कहीं नहीं है। यदि चाहते हैं कि इसी जीवन में दुख से पीड़ा से बच करके पूर्ण परमानंद, परम शांति, आत्मतृप्ति का अनुभव करें, तो हर व्यक्ति को, हमें और आप सबको, अपने जीवन को ही प्रयोगशाला बनाना होगा। ये बाहर की प्रयोगशाला में तो बाहर का प्रयोग होता है, ये बाहर का प्रयोगशाला हमारे मन के दुख को दूर नहीं कर पाएगी,
जीवन जब प्रयोगशाला बनेगा तब दूध होगा। प्रयोगशाला बनाना क्या है? जो जो जानते हैं उसका प्रयोग, आचरण, व्यवहार, ये तो सुकृत है। और ऐसा हो गया तो दुखों से मुक्त होने में कोई विलंब नहीं लगेगा, न इस जीवन में भटकना होगा ना आगे जीवन के लिए भटकना होगा। सदगुरु कबीर कहते हैं, भरम हिंडोला झूले सब जगह, ये भरम का हिंडोला, आवागमन जन्म मरण का हिंडोला, सारा संसार इसमें झूल रहा है और हिंडोला बना है भरम से। भरम दूर होगा तथ्यात्मक ज्ञान से और ज्ञान प्रयोग से। धूप की लहरियों में मृगा को भ्रम होता है कि वहां पानी का सागर है, दिखता है साफ पानी का सागर लहरा रहा है लेकिन पानी है नहीं, केवल भ्रम होता है, आभास होता है। ऐसे ही संसार में सुख का आभास होता है और आभास बिना तथ्यात्मक ज्ञान के दूर नहीं होने वाला है। हम प्रत्यक्ष, अरे हमने प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखा है, वहां सागर लहरा रहा था, पानी अगाध पानी भरा हुआ था। जब वहां जाएंगे तब पता चलेगा ना। तो भ्रम तो है, सही ज्ञान की आवश्यकता है और सही ज्ञान सत है, सत की प्राप्ति और फिर उसका जीवन में प्रयोग, सुकृत दोनों चाहिए। ज्ञान ही नहीं है प्रयोग क्या करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे? जो प्रयोग करेंगे उल्टा नुकसान हो जाएगा। और प्रयोग नहीं है तो ज्ञान धरा रह जाएगा। तो हम जितना जानते, जो व्यक्ति जितना जानता है, कोई कम कोई ज्यादा, जितना जानते हैं उतने का प्रयोग करते चलें, उतने को जीवन उतारते चलें, तो कल्याण में कहीं कोई बाधा नहीं है, चाहे वो आश्रम में रहता हो चाहे घर में रहता हो। और यदि जो जानते हैं उसका प्रयोग नहीं करते तो न घर में मुक्ति मिलेगी न आश्रम में मुक्ति मिलेगी। आश्रम में कोई मुक्ति थोड़े रखी है, यहां जाकर खोद कर देख लो, कहीं मुक्ति नहीं मिलेगी यहां पर आपको। यदि ये भ्रम हो कि आश्रम में बैराग है, आश्रम में मुक्ति है, तो खोद लो कोने कोने में, कहीं रखा होगा तो मिल जाएगा। हम लोगों को तो नहीं मिला आज तक। यदि प्रयोग नहीं करते तो चाहे जंगल जाओ चाहे कहीं जाओ, कुछ होने वाला नहीं। अब प्रयोग कर लें, जितना जानते उतने का प्रयोग करना शुरू करें तो हर जगह मुक्ति है, हर जगह दुखों से छुटकारा है। इसलिए साहब कहते हैं, सत और सुकृत की प्राप्ति होनी चाहिए, सही बोध और बोध के अनुसार से जीवन का आचरण, फिर कल्याण में कहीं कोई बाधा नहीं है। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजरहम अमरहम अखंडम मनुपम, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजरहम अमरहम अखंडम मनुपम, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजरहम अमरहम अखंडम मनुपम।